नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, और 13 क्वेश्चन चलेगा, 13 क्वेश्चन। ठीक है, शिवानी पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इस कंपनी खरीदे, ठीक है, 31 मार्च की बैलेंस शीट में गिवन है और अप्रैल में इसने परचेज किए, मतलब साल के स्टार्टिंग में खरीद लिए, तो टाइम रेशियो के हिसाब से जो होगा वो 0 और 12 का होगा, मतलब प्री का टाइम 0 और पोस्ट का टाइम 12। ठीक है, और नीचे आ जाओ अपने उसमें, ऑन द देखो, एक तो उन्होंने बोला ऑन द एक्विजिशन डेट, जिस दिन हमने खरीदा उस दिन का बैलेंस दे रखा है, हमने खरीदा साल के स्टार्टिंग में और साल के स्टार्टिंग का ही बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट लॉस का 7,500 रुपये, है ना। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, कौन सा बैलेंस हो गया, ओपनिंग, और जो बैलेंस शीट में होगा वो कौन सा होगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो करंट ईयर के निकालने के लिए हमें डिफरेंस निकालना होगा, वो तो हम कर लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग के बारे में बोला, बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू, डेप्रिशिएटेड बाय नहीं लिखा, डेप्रिशिएटेड टू 25,000। बिल्डिंग की कीमत कम होगी, कहाँ तक कम होगी, जहाँ तक 25,000 हो जाएंगे तब तक कम होगी। बिल्डिंग पे चेक करो कितनी दे रखी है, सब्सिडियरी कंपनी की बिल्डिंग, वो घटते 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 25 तक हो जाएगी, तब तक हमें डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है। नहीं तो ये बताओ कि यहाँ पे कितना कम हुआ डेप, कितना डेप लगा, हाँ 25,000 नहीं लगा, यहाँ पे लगा 12,500, 37,500 से लेकर घटते 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 25 तक हो गई है। रिटर्न और डेप्रिसिएटेड टू लिखा ना इसलिए, हाँ आगे क्या लिखा है, स्टॉक, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15,000, यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ कितने से, 15,000 से, हाँ तो ये हमारा क्या हुआ, नुकसान होगा, वही डेप्रिशिएशन सीधे बाय लिखा तो 15-15 पूरा पूरा आ जाएंगे, यहाँ डिफरेंस नहीं देखेंगे। आगे क्या लिखा है, 10% गुडविल ऑफ एस कंपनीज टू बी रिटन ऑफ, हाँ तो गुडविल में भी कमी हो रही है, रिटर्न होगी, है ना, ठीक है, नुकसान हुआ हमारा 10% से। और क्या देख रखा नीचे, प्रिपेयर बैलेंस शीट, चलो हमें क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो ये नुकसान जो हो रहे हैं ना, इन सब का हमें इस्तेमाल करना है कैपिटल प्रॉफिट के अंदर, माइनस करने का। किसमें, नॉन करंट वाले में नहीं, गुडविल तो नॉन करंट एसेट्स में ही आती है, मतलब बैलेंस शीट में, हाँ बैलेंस शीट में दिख रही है, उन क्वेश्चन में दे नहीं रखी थी, अब देना शुरू कर दिया, तो पता ही है कि हमने जब गुडविल निकलता था आंसर तब भी हम नॉन करंट में ही दिखाते थे, पहले से नहीं मिलते थे। तो ये जो वो आएगी वहां आती गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो इन दोनों जोड़ेंगे, हाँ जब वहां जाएंगे पहले, हाँ हाँ जोड़ के, कि ये वाली और पुरानी वाली दोनों जोड़ के। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइम रेशियो निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे, बोलो बोलो, टाइम रेशियो शिवानी कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट कब की दे रखी है, 2014 वाली, तो ये साल स्टार्ट कब हुआ, 2013, क्योंकि अप्रैल से मार्च वाला ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमने खरीदारी जो करी है कब करी है, साल के स्टार्टिंग में इस डेट में की है परचेजिंग, तो इससे पहले का प्री क्या हो गया, 0, और पोस्ट में कितने हो गए, 12 महीने, 12 मंथ, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद होल्डिंग परसेंटेज, ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट होल्डिंग परसेंटेज कितना, कैसा आएगा, कौन कौन सी कंपनी थी, एच कंपनी, एच लिमिटेड, एच कंपनी और एस कंपनी, ठीक है, तो एस कंपनी की कैपिटल कितनी दिख रही है हमें, 1,00,000, कितने वाले शेयर थे, 10 वाले, तो डिवाइड करेंगे कितने शेयर बन जाएंगे, 10,000 में से हमने कितने खरीदे, कितने परसेंट खरीदे, क्या जानकारी मिलती है, 7,500 मिलते, पहली लाइन में देखो ऊपर टॉप पे, या तो हमें ये जानकारी मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, या फिर ऊपर मिलती है, सबसे ऊपर देखो टॉप पे फर्स्ट लाइन में 7,500 खरीदे, कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टिंग के अंदर मिल जाता है कि 60% खरीदे, वो सब तो हमें देखना पड़ेगा, पूरी बैलेंस शीट में मिल रहा है, पहली लाइन में मिल रहा है, आखिरी लाइन में मिल रहा है, तो ढूंढना पड़ेगा। तो 10,000 में से हमने कितने खरीदे, 7,500, कितने में से, 10,000 में से, तो परसेंटेज बनेगी इंटू 100 करके, 75% होल्डिंग कर ली, इस पर क्या बचा, 25%, 25% का मतलब है 10 में से 7,500 खरीद लिए, बचे कितने, 2,500, हाँ तो ये चीज़ थोड़ा बहुत अच्छा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारा पहला पॉइंट अब शुरू होगा जहां से क्वेश्चन शुरू होता है, कैपिटल प्रॉफिट, यही लिखते ना स्टार्टिंग में। ठीक है, इसमें आता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की जो हेडिंग होगी हमारी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की जो हेडिंग होगी उसमें अगर हम देखें बैलेंस शीट में दिख रहा है सिर्फ 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 25,000। और क्वेश्चन से नीचे लिखा था कि 7,500 का बैलेंस था ओपनिंग। कितना बैलेंस था? 7,500। तो हमारी यहाँ पे जो होल्डिंग वाली टाइमिंग था कि भाई हमने 1 अप्रैल को खरीदा, यहाँ देखो टाइमिंग साल की शुरुआत में खरीदा, तो प्री का टाइम क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो है। पोस्ट में कितने हैं? पूरे 12 महीने। तो ओपनिंग वाला ही इसमें आएगा, ओपनिंग प्रॉफिट जितना भी है, ओपनिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,500। बाकी हम जो डिफरेंस निकाल के निकालेंगे ना करंट ईयर का, वो सब पोस्ट में आ जाएगा क्योंकि पूरे 12 महीने किसके हैं? पोस्ट के हैं। रिवेन्यू प्रॉफिट क्या चीज का है? वो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में। अच्छा, ये ओपनिंग हो गया, वो क्लोजिंग हो गया, तो डिफरेंस करके करंट ईयर में आता। लेकिन उसका इस्तेमाल तब करते जब 3 महीने प्री 9 महीने पोस्ट ऐसा कुछ होता तो हम करते। ये हो गया हमारे पास। रिजर्व के लिए भी ऐसी कोई लाइन दे रखी का नीचे, कोई बैलेंस दे रखा हो? नहीं, सिर्फ रिजर्व दे रखा है। कितना दे रखा है हमारे पास रिजर्व? 62। पूरा पूरा फिर हम प्री का ही मान लेंगे उसे। प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना था? 62,500। हाँ, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? 70,000। ठीक है, अब लेस करने के लिए बहुत सारे आइटम है हमारे पास जो नुकसान हुए हैं। क्या क्या हुआ? डेप्रिसिएशन दे रखा ना भाई, हमारा जो डेप्रिशिएट हुआ है, हाँ बिल्डिंग पे हुआ है ना, तो एक तरह से लिखेंगे लॉस ऑन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन बाय कितना हुआ था, जो हुआ था कितना हुआ था? हाँ, तो 37,500 की थी बिल्डिंग है ना, 25,000 तक लाना है, तो कितना डेप्रिशिएट हुआ था? 12,500। फिर हमारा यहीं पे हुआ, स्टॉक पे भी नुकसान हुआ, लॉस ऑन स्टॉक कितना हुआ था? 15,000 से सीधे सीधे दे रखा है। ठीक है, हाँ, अगर डेप्रिसिएटेड 2 है तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कितना पहले था अब कितना है, और डेप्रिसिएटेड बाय लिखा है तो मतलब उसी अमाउंट से नुकसान हुआ हमारा 15,000 से। एक और है गुडविल पे भी हुआ था 10%। हाँ, गुडविल रिटर्न ऑफ हुई कितनी? 30,000 का 10%, क्योंकि गुडविल हमें 10 कितनी दे रखी थी उसमें? 30,000 लिखी थी ना। 30,000 की गुडविल, उसमें 3,000 आ जाएगा, 3,000 ये, और बताओ टोटल करके कितना हुआ? 15, 3, 18, 12, 30,500। तो 30,500 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? अगर तुम 70 में से 30 माइनस करो, 40 बचते, 500 और माइनस कर दो तो 39,500। ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। इसके दो हिस्से करो, एक तो एच कंपनी और एस कंपनी, 75% और 25%। बताओ बेटा कितना आएगा अतुल? सॉरी, 29625 आएगा सेंड करता हूँ। 29625। वो ये करके लेकर आया। हाँ? ये तो करके लेकर। नहीं, ये नहीं करके लाया। ये कह रहा मेरा कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता। 9875। नहीं, कोई नहीं, सही है, इतना सही है। सही है। हाँ। दूसरा पॉइंट देखो क्या आएगा इसमें। दूसरा पॉइंट था रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट है ना, रेवेन्यू प्रॉफिट पे अब हम देखेंगे क्या क्या आएगा इसमें। आपका दे रखा है इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यही आता ना एक्विजिशन प्रॉफिट। अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इनकी बसी हो रही है इसकी। हमारे पास क्लोजिंग कितना था बैलेंस शीट में देखो, प्रॉफिट 25,000। ओपनिंग कितना था? 7,500। तो करंट ईयर का कितना बचा? 17,500।
बचा नहीं बचा। अब ये टाइमिंग क्या है हमारे पास, पूरे पूरे 12 महीने हैं, तो ये पूरा पूरा पोस्ट का हो गया, तो 17,500 ये आ गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, ठीक है, अब इसे जोड़ दो तो ये आंसर आया आपका 17,500। क्या बोलेंगे इसे, रिवेन्यू प्रॉफिट। कितना हिस्सा इसका है एच कंपनी का, 75% और एस कंपनी का 25% है ना। तो ये कितना बोला आपने, 13125, इसका 4375। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बाकी चीज़ें हमारी इसमें हो नहीं पाई। ठीक है, इतना ही था यूज़ इसका। आओ बेटा जल्दी। ना मैं कर दूँगा, आप जा जाओ। ठीक है, तो नंबर 3 क्या लिख लेगा इसमें, कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, क्या आंसर निकलता है देखो। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर, ऐसे लिखते हैं ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर। तो इसमें हम देखेंगे भाई इन्वेस्टिंग में देखो कितने रुपए में हमने सामान खरीदा, मतलब ये जो शेयर खरीदे थे 125,000 के, हमने 125,000 के शेयर खरीदे, कितने शेयर खरीदे, 7,500, ऐसे तो किया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर 125, हमारे पास से जो पैसा गया वो 125,000 गया, तो चेक कर रहे हैं कि हमने ज़्यादा कीमत तो पे नहीं कर दी कहीं, या कम कीमत पे करी है तो कैपिटल रिजर्व रहता है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, 7,500 शेयर थे, एक शेयर कितने था 10 का, तो 75,000 के शेयर की कीमत बनी। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट भी लिख दो, कैपिटल प्रॉफिट, तो वो आता है आपका 29625, और फिर टोटल करेंगे तो कितना बैठेगा, 104625। ठीक है, ये आया 104625, ये आया। तो हमने क्या किया, हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी, हाँ। चीज़ इतनी ही थी, हमने पेमेंट ज़्यादा कर दी, तो डिफरेंस कितना आएगा इसमें, गुडविल का आएगा 20375। 20375 ये है गुडविल, क्योंकि अगर आंसर प्लस में बचता है घटा के तो गुडविल, और माइनस में बचता तो कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही, फिलहाल इससे हमारा गुडविल आ गया, बाकी 3 पॉइंट तुमने कर दिया। चौथा पॉइंट क्या होता हमारा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, क्या लिखते हैं इसमें, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितने बचेंगे, 2500। 10,000 में से 7,500 खरीदे थे ना, तो 2500 बचे, 10,000 माइनस 7,500 इक्वल्स टू 2500 इंटू 10, यानी कि आपके आ गए 25,000। कोई दिक्कत तो नहीं, अब क्या गया तुल, ऐड, हाँ, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन, यार इसमें तो इंक बाहर नहीं आ रही, रिवेन्यू प्रॉफिट है ना, कैपिटल प्रॉफिट कितना था वहाँ लिखा है 9875, और ये कितना आएगा 4375, टोटल कितना आएगा 2500। यह हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब पांचवा पॉइंट भी यहीं कर दूं मैं छोटा सा, क्योंकि फिर बैलेंस शीट की जगह नहीं बचेगी, कंसोली वही तो डालने भी हैं, तो फिर ऊपर ही बना दो बैलेंस शीट, हम बना देंगे इसके में दिखाने के लिए, बैलेंस शीट नहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह ना उसका भी तो यूज दिखाना पड़े, तो मैं माइनस ही करना होता है बस। ठीक है, करके देखना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर दी
होल्डिंग कंपनी, अब प्रॉफिट हो फॉर द होल्डिंग कंपनी देखोगे तो कितना दिखाई दे रहा है आपको, होल्डिंग वाले का 15,000 दिख रहा है ना, बैलेंस शीट में देखो 15,000 दिख रहा है, प्लस रिवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है, रिवेन्यू प्रॉफिट कितना आएगा इसमें, रिवेन्यू प्रॉफिट का है 13, तो कितना हो गया इसमें 28,125, ठीक है, थोड़ा सा वैसा 28,125, ठीक है, पांचों पॉइंट हो गए हमारे पास। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा ही करा दो जब कराया था, ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, ठीक है, फर्स्ट क्या बनेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, उसमें हेडिंग कौन सी है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, बताओ शिवानी कौन सी कैपिटल लिखो उसमें, शेयर कैपिटल के अंदर 125 कौन सी वाली आ रही है हमारे पास, पहली वाली कंपनी की ना, एच कंपनी की 125, ठीक है, अतुल अगली हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इसके अंदर हमारा है रिजर्व, रिजर्व कितना आना चाहिए, वो भी तो आएगी है, वो तो सब बाद में आएगा ना, रिजर्व कितना आएगा जो उसमें लिखा हुआ है, देखो जरा 25,000, इसके बाद है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस की जगह हम क्या डालते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना है 28,125, इसके बाद साथ साथ हमें दो चीज़ याद रखनी चाहिए, एक हमारा गुडविल है तो हम नहीं डालेंगे, अगर कैपिटल रिजर्व होता तो आता, एक और है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो तो इसी में आता है ना, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि इसको हमें यही ध्यान देना है कि हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी आता है यहाँ से, अगर कैपिटल रिजर्व तो भी यहाँ पर आता है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आता है, 39,250 यहां तक हो गया हमारे पास। अगली हेडिंग है करंट लायबिलिटी, ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर और क्रेडिटर दोनों कंपनी के जोड़ के आएंगे, कितना कितना दे रखा है 12,500 प्लस 7,500 तो हो गए 20,000, फिर हमें दे रखा है बिल पेबल, इन्हें तो हम प्लस करके दिखा देते हैं, कुछ हमें ऐसा तो कुछ करना नहीं, 7,500 प्लस 5,000 तो 12,500, ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद है, ये तो हमारी लाइन ख़त्म हो गई यहाँ से, तो टोटल कर लेंगे, फिर आता है एसेट्स, एसेट्स में क्या नाम दे रखा है, बिल्ड नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग है ना, तो इसमें क्या आता है बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का थोड़ा ध्यान से मुझे बताना पहले, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए बिल्डिंग, देखो दो बिल्डिंग दिख रही है, एक 25,000 की, एक 37,500 की, क्या करना चाहिए, दोनों को प्लस कर दूं या कुछ और भी करूं, 25,25 आएगा, बिल्कुल सही, लेकिन क्यों, क्योंकि वो बोल रहा था ना पहले वो बोल रहा है ना, हाँ बिल्कुल 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 सही, आप हंसना नहीं चाहिए, आपको ये लाइन बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कम करा क्योंकि डेप बोला था, चलो ठीक है, तो ये एक इंसान की कैपिटल बिल्डिंग थी 25, दूसरे की थी 37,500, इसमें से 12,500 हमने माइनस करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन 12,500 था, तो ऑटोमेटिक ये आपका 25 ही आ जाएगा, तो 25 और 25, 50, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें इसमें ये दिखाना कि क्यों कम हुआ। फिर अगला नाम था इसमें गुडविल का, स्टॉक भी था नहीं, पहले तो गुडविल है ना, गुडविल बैलेंस शीट चेक करते रहो, गुडविल हमारी कितनी दे रखी है 7,500 है ना, प्लस 30,000 की गुडविल है ना, उसमें से 10% कम करना था, तो 30,000 में से 10% कम करो, 3,000 कम कर दो है ना, प्लस ये भी तो गुडविल है, इसको भी प्लस कर दो, 20,300
75 तो अगर अलग लग रहा हो तो मैं 27,000 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 7,500 दे रखा है, 30,000 में दे रखा है, 10% कम करना है तो हमने 3,000 कम कर दिया, कम करते ही वो 27,000 रह जाएगा। और ये क्यों प्लस करना है, क्योंकि ये भी गुडविल है, तो सबको कर दो हिसाब किताब, तो प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ देना, माइनस की माइनस कर देना, तो भी आंसर आएगा, कितना आएगा नहीं क्या, नहीं क्या तो क्या। और इसके नीचे इन्वेस्टमेंट है वो तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन में यूज़ कर लिया हमने, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसकी गुडविल कैपिटल रिजर्व की उसमें यूज हो जाता है कैलकुलेशन में। 37,500 तो ये हो गया, 57,500 कितना, 5,487,875, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना आ गया। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में हमने यूज़ कर लिया, उसका तो कोई पॉइंट है नहीं। अब करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स की हेडिंग है इसमें है स्टॉक, स्टॉक कितना दे रखा था बेटा, 12,501 है। अच्छा, मतलब हमारे डेप्रिसिएशन 15,000 स्टॉक ऊपर ही दे रखा, तुम्हारे ऊपर दे रखा है, गलत है ये तो, इनसे एरो बना के नीचे ले आओ, नहीं तो आंसर भी सही आएगा, नहीं नहीं फिर भी हेडिंग तो गलत है, बदल दिया, वैल्यू वही है, नाम भी वही है, बस वो करंट से उठा के डाउन करंट डाल दिया, क्योंकि स्टॉक तो करंट एसेट्स होती है, तो आई नहीं सकता ऊपर, वो टाइपिंग मिस्टेक मान लो उनकी, है ना। 12,500 है ना और 65,000 है, स्टॉक के संग कुछ हुआ था क्या, 15,000 रुपये कम हुआ था, तो 15,000 कम कर देंगे, ठीक है। हाँ मतलब वो लॉस हुआ था ना, इधर से लॉस ऑन स्टॉक मतलब डेप्रिशिएटेड हुआ था, तो हमने इन दोनों को प्लस किया, 15,000 माइनस कर दिया इसमें से, है ना, इस वाले में से, तो ये 50 रह जाएगा, 50 ही 62,500 समझ में आया, ठीक है, डेप्रिशन था इसमें से माइनस हो गया। और अगला क्या, कैश, कैश में क्या है, 15,000 प्लस 67,000 ठीक है, इसे कितना हो जाए, 67 और 15 कितने होते हैं, 5,000 और तो कुछ नहीं है ना हमारे पास, टोटल कर लेते हैं, टोटल ठीक है, ये वीडियो आज ही डाल दूंगा ना, आज मेरे पास है नहीं डालने के लिए, टोटल करिए बेटा कितना आ रहा है, एक बार देख लो कैलकुलेटर में, नीचे पीछे डाल रखा हमने, बहुत पीछे है वो कैलकुलेटर, तो तुम ऐसे ही कर लो। हाँ एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कुछ 35,000 पता नहीं कंसोलिडेट पे प्रॉफिट है, पता नहीं कहाँ पे ऐड किया नहीं किया, एक का कमेंट मैंने देखा था, उसमें मेरे पास बुक नहीं थी। और भाई लोग मैं जो कराता हूँ उसमें मोस्टली जहाँ प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, मैं पहले से डिस्कस कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ होता है, लेकिन आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में मत देखा करो यार, है ना, पूरी सुन के देखा करो, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी अपने चेक कर लेना, कोई गलती बताना, लेकिन क्योंकि ऐसा था ना बाद में अगर तुम पूछते हो तो मैं अपनी वीडियो देख सकता हूँ, क्योंकि YouTube के रूल के खिलाफ है, अपनी वीडियो देख नहीं सकते तो प्रॉब्लम पता नहीं चलती। दोनों फोन में एक ही अकाउंट लॉग इन रखा मैंने, इसीलिए स्विच कर लिया करो ना, मैं इतना लाफत नहीं करता है इस चक्कर में, ठीक है बच्चों। आप पूरी वीडियो देखा करो और एड वैड भी देख लिया करो यार, आजकल अर्निंग ना हो रही कुछ भी, ठीक है। तो बच्चों पीएचडी और फिर अपनी बुक बेचो, हाँ सही कह रहा हूँ, बच्चों तो आप लोग बच्चों लिख लेना है ना क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और श्रुति आज छुट्टी कर ली तुमने, क्वेश्चन कर लेना तुम, श्रुति जरूर देखेगी इस वीडियो को।